नीट परीक्षा में धांधली को लेकर कांग्रेस का पूरे यूपी में जबरदस्त प्रदर्शन। ग्रेटर नोएडा में जिलाध्यक्ष दीपक चोटीवाला के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में कथित अनियमितताओं के खिलाफ कांग्रेस आज देशभर में प्रदर्शन कर रही है। ग्रेटर नोएडा जिला कलेक्ट्रेट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आज सुबह बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सूरजपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे और वर्तमान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नीट परीक्षा रद्द करने की मांग करते हुए कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की। नीट की जो परीक्षा अभी कराई गई है और उसमें जिस प्रकार की धांधलियां, चाहे बिहार की बात हो, चाहे हरियाणा की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश, गुजरात, तमाम प्रदेशों में गड़बड़ियां सामने आई हैं, तो उनको लेकर के चिंताएं वाजिब हैं। उन्हीं चिंताओं को लेकर के आज हमने यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पर डेमोंस्ट्रेशन किया, प्रदर्शन किया है। और हमारी मांग है, कांग्रेस पार्टी की पूरे देश में मांग है, कि नीट की जो परीक्षा है उसको रद्द किया जाना चाहिए, ताकि जो छात्र पिछले कई वर्षों से नीट की तैयारी कर रहे थे उनके साथ हम लोग न्याय कर पाएं और हम लोग एक स्वच्छ प्रक्रिया के माध्यम से इस परीक्षा को आयोजित कराएं, ताकि ईमानदार डॉक्टर बना करके हम देश की सेवा को समर्पित कर सकें। यदि हम इस तरीके के फर्जीवाड़े के को प्रोपेगेंडा करके हम लोग मेडिकल में दाखिले कराएंगे, तो न सिर्फ लाखों विद्यार्थी जो इस परीक्षा में बैठे हैं, जिनको अपेक्षा अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं हुए इस मॉल फंक्शनिंग की वजह से, उनके भविष्य के साथ कुठाराघात होगा, बल्कि आने वाले समय में जिस तरीके से आप देखेंगे, इन्होंने अग्निवीर लागू किया तो लोगों ने सेना में जाने की तैयारी बंद कर दिया। सड़कों पे दौड़ लगाते हुए, कसरत करते हुए बच्चे आपको नहीं दिखेंगे। ठीक इसी तरीके से यदि नीट में इसी पैटर्न पे परीक्षा होती रही और इस तरीके से ही फर्जीवाड़ा करके दाखिले होते रहे, तो जो हमारे देश का भविष्य है, जो वास्तविक टैलेंट है, वो परीक्षा की तैयारी नहीं करेंगे। वो गलत तरीकों का इस्तेमाल या तो करके इस तरीके दूसरे तरीकों को अपनाएंगे या फिर वो घर बैठ जाएंगे। कांग्रेसियों ने राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन भी जिला प्रशासन को सौंपा और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की।